Hi guys, welcome back to Class of Learning. You are with Rahul Sharma, your friend and analyst. That's all about class 12 students. Yes, class 12 students. काफी time हो गया class 12 students की बारी नहीं आई थी, तो आज फाइनली आपका टाइम आ चुका है और आज हम शुरू करेंगे. सर आपके कोर्स में जो चेंजेस हुए हैं फॉर योर अपकमिंग एग्जाम. सर आपने कहा आपके एग्जाम्स आ चुके हैं. यस, वी आर गोइंग टू हैव एग्जाम्स इन अक्टूबर. तो सर ये फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन है, क्या इसमें सच में चेंज आने वाला है? यस, दिस बिग चेंज फॉर क्लास 12 स्टूडेंट्स. आपने कहा सर हमारा फुल फ्रेश पेपर नहीं होने वाला, दो पार्ट्स बांट दिए गए ड्यू टू कोविड, लेकिन यहाँ पे कोर्स में कई सारे चेंजेस किए गए. आपने कहा कोर्स चेंजेस हमें पता होना चाहिए, वी नीड टू नो कि हमें क्या पढ़ना है, पेपर के टाइम पे कौन कौन सी चीजें ऑन टिप करनी एंड हाउ विल गोइंग टू गेट द मैक्सिमम मार्क्स विद द शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम. तो सर स्कूल अभी शुरू है हार्डली 10 टू 15 डेज, अगर पूरी तरह फुल फ्रेश जिसमें हमने स्कूल में जाना शुरू किया है. मोस्ट ऑफ यार चलता रहे कोई मामला नहीं, सब कुछ ट्रैक पे आएगा धीरे धीरे. तो यहाँ पहली बात करते हैं कि हम प्रिपरेशन क्या करें, करना क्या है, कैसे पढ़ना है और क्या बदलाव हुआ, क्या फॉर्मेट भी चेंज हुए हैं, क्या कुछ चेंज आएगा. तो उसके लिए यार आपको पता क्या करना है, यू आई नीड टू नो. देन कम टू द पॉइंट. सर पॉइंट्स को पूरा क्लियर करते हैं. सबसे पहले मेरे पास क्या आता है, मेरे पास सेक्शन ए हमेशा डोमिनेंट होता है पूरी तरह से. सर ये ऑब्जेक्टिव टाइप रहने वाला पेपर, क्या पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर रहने वाला है? एक बहुत बड़ा क्वेश्चन जिसका आंसर मैं आपको अपकमिंग वीडियो में दूंगा, क्योंकि मैं पूरा क्लियर कर दूंगा ड्यू टू द टॉक्स दैट इज गोइंग ऑन विद द सीबीएसई पर्सन्स. यहाँ पे हमें क्लियर हो जाएगा कि क्या इस पेपर में सब्जेक्टिव भी कुछ होने वाला है, क्योंकि अब हम स्कूल जा रहे हैं. डेफिनेटली अब हम स्कूल जा रहे हैं तो सब्जेक्टिव वाला जो टॉपिक है ना उसको इन कर दिया गया. सब कुछ ऑनलाइन नहीं होने वाला क्योंकि स्कूल शुरू हो चुके हैं, तो इसको दिमाग में रखना आप लोग. तो आपके अक्टूबर साइंस के जो एग्जाम्स हैं सीबीएसई ने क्लियर कर दिया. अभी आपको दे दी गई है आपका कोर्स कंटेंट, आपका सिलेबस क्या होने वाला एग्जाम्स के लिए. अब आपको क्लियर कर जाएगा पेपर पूरा ऑनलाइन होगा या ये होगा ऑफलाइन, या इसमें एक चीज और डालेगी, क्या एग्जाम के टाइम हमें स्कूल में जाकर लिखना पड़ेगा. एक ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा जिसको हम ऑब्जेक्टिवली डिक्लेयर करेंगे कि सर कौन सा ऑप्शन लेना है. एमसीक्यू जो आप चल रहे हो पिछले दो साल से डील कर रहे हैं, बट ऑनेस्टली क्लियर कर देता हूं ऐसा बिल्कुल मैं सोचना कि ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा पूरा का पूरा. रिमेनिंग नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी. तो आपने कहा सबसे पहले लेते हैं सेक्शन ए. सेक्शन ए डेफिनेटली एमसीक्यू होने वाला है. रीजन अनसीन पैसेज. सर दो पैसेज होंगे हमारे पास. द फर्स्ट वन द अनसीन पैसेज. सॉर्ट ऑफ नोट पिकिंग. हमने बहुत सुना नोट पिकिंग के बारे में, हमने 11th में नहीं पढ़ा क्योंकि हम स्कूल में गए नहीं 11th, तो लेकिन यहाँ क्लियर करता हूँ फिलहाल नोट बैंकिंग दूर दूर तो कहीं नहीं है. हाँ, उसका एक फॉर्म बदल दिया गया, वही चीज थोड़ी बदल के दे दी गई, दैट इज केस बेस्ड अनसीन पैसेज. आई रिपीट, केस बेस्ड. सर एक केस दे जाएगा आपको, केस स्टडी होती है बिजनेस स्टडीज जो पढ़ते हैं स्पेशली, या जो पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं उनको बहुत नॉलेज होगी केस स्टडी क्या होगी. तो एक केस स्टडी दे दिया गया आपको, द फर्स्ट अनसीन पैसेज एंड द सेकेंड वन द केस बेस्ड अनसीन पैसेज. सर ये दो होंगे, पहला होगा 8 नंबर का, दूसरा होगा 6 नंबर का. तो वो 14 मार्क्स आपको दिए गए सेक्शन ए के अंदर. पहले 14 मार्क्स आपको दे दिए सेक्शन ए में, तो आप इजीली क्रैक कर सकते हैं ये 14 के 14. जंप टू द नेक्स्ट सेगमेंट, वी आर हैविंग द राइटिंग सेक्शन, सेक्शन बी. पहले कभी जाता बैक बोन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, इट इज द बैक बोन, क्योंकि जिसको राइटिंग सेक्शन नहीं आता वो कभी 95 से ऊपर नहीं जाता था. लेकिन काफी सारी इंप्लीमेंटेशन दी गई, चीजों को बदल दिया गया, इंग्लिश वो इंग्लिश तो नहीं रहेगी जो पहले हुआ करती थी, बट हाँ अभी भी 8 नंबर का सेक्शन है, जस्ट 8 मार्क्स आर रिपीट. तो उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है पहले के लिए बताऊं, दो चीजें हमें जो पढ़नी है, दैट इज नोटिस एंड क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट. नोटिस हम सबने पढ़ा है सर, फिफ्थ ऑनवर्ड्स पढ़ते आ रहे हैं, फिफ्थ सिक्स ऑनवर्ड्स नोटिस तो पढ़ते आ रहे हैं. तो अपने नोटिस में कुछ बदलाव हुआ, इसके फॉर्मेट में कुछ चेंज हुआ है, आपको मैं वीडियो में सब बताऊंगा पूरा. फिलहाल तो मैं आपको बताऊं कोर्स कंटेंट क्या चेंज हुआ और आपको क्या करना है, लास्ट में टिप भी बताऊंगा जो आप फॉलो करेंगे अक्टूबर एग्जाम्स के लिए. तो यहाँ आ गया नोटिस सर, 3 नंबर का क्वेश्चन. यह आएगा हमारे पास एडवर्टीजमेंट, दैट इज क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट. व्हाट डू यू मीन क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट, हाउ टू राइट डाउन क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट. सर हमने नहीं पढ़े 11th, हम स्कूल गए नहीं थे, तो चैनल आप सब्सक्राइब कर चुके हैं, वीडियो आपको मिलेगी, तसल्ली से आप देखेंगे, एक एक चीज आपको फ्रॉम द बिगिनिंग क्लियर कर दूंगा. तो यहाँ आ गए हमारे दो टॉपिक सर, वेदर इट्स नोटिस और वी आर हैविंग क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट. सेकेंड ऑप्शन लेटर राइटिंग. सर लेटर राइटिंग में डिटेल बता देता हूँ, कोई पर्सनल लेटर नहीं है, किस तरह की कोई कंप्लेन लेटर नहीं है, लेटर सिंपल सी है, लेटर टू एडिटर. आई रिपीट, लेटर टू एडिटर, ये आपको क्लियर कर लेनी, लेटर टू एडिटर जो हमें ऑन टिप करनी है, नंबर वन. नंबर टू आर्टिकल राइटिंग. व्हाट आर आर्टिकल राइटिंग, क्या होती है आर्टिकल राइटिंग, इसको कैसे लिखते हैं.
हाउ आई एम गोइंग टू राइट ऑन द आर्टिकल राइटिंग परफेक्शन के साथ सर्व कैसे करनी, ये सब डिटेल होगा आपके पास। तो ये हो गए दो सेक्शन, सो जस्ट टू सेक्शन। कम टू द थर्ड द मेजर सेक्शन दैट इज लिटरेचर। अब लिटरेचर में मुझे क्या क्या पढ़ने वाला है, मेरे पास कई सारी चीजें लिटरेचर में। फ्लेमिंगो और विस्तास दो बुक्स हमारे पास, फ्लेमिंगो से तीन चैप्टर, तीन पोएट्री, विस्तार से सिर्फ दो चैप्टर्स। सर कोर्स प्रोफेशन बोलू तो मैं 11 नंबर देती है फ्लेमिंगो को, 7 नंबर देती है विस्तार को। तो अपना डिवाइड कर लिया, 11 एक को दे दिए, 7 एक को दे दिए, प्रोपोर्शन तो बहुत इजी हो गई। बट आप सब चीजें समझ सकते हैं, एक 5 नंबर का, एक 6 नंबर का, जिसमें 5 नंबर दे दिए किसको, पोएट्री को दे दिए, 6 नंबर दे दिए किसको, सर लिटरेचर को, या 7 नंबर उसको दे दिए, 4 नंबर उसको दे दिए, 7 और 7 और 4 पोएट्री। चलो यार हमें जो स्टोरीज पढ़नी, शॉर्ट स्टोरीज जो प्रोज है हमारे कोर्स में, दैट इज द लास्ट लेसन। दिस आई मीन सीरियसली द वेरी फर्स्ट चैप्टर इज नोन एज द लास्ट लेसन। तो आपके लिए है द लास्ट लेसन, द लॉस्ट स्प्रिंग, एक्चुअली द लॉस्ट स्प्रिंग, डीप वाटर। तीनों की तीनों बहुत अच्छी स्टोरीज है, तीनों की वीडियो आपको मिल सकती है इसी चैनल पे है। आप लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं ऑलरेडी, जो पहली बार है डू सब्सक्राइब चैनल, डोंट वेस्ट योर टाइम, सब्सक्राइब करें इमीडिएटली, प्रेस दैट बेल आइकन ताकि आप इजी क्रैक कर पाए, वीडियोस को भी एक्सेस कर लेंगे। तो द लास्ट लेसन लॉस्ट स्प्रिंग एंड द डीप वाटर, सब पोएट्रीज, तीन पोएट्री हमारे बोर्ड में। माई मदर एट 66 बाय कमला दास, वन ऑफ द बेस्ट पोएट्री इन योर कोर्स, और पेपर में कंफर्म मिलेगी, पहले के लिए कर देता हूँ, फिर बाद में बोलना सर आपने बताया नहीं, मैं बता रहा हूँ अभी कि कंफर्म पेपर में आपको मिलने वाली है। द लास्ट लेसन, सॉरी माई मदर एट 66 सेकेंड एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम, पूरी पूरी पोएट्री क्लियर करते थे, सबसे इंपॉर्टेंट पोएट्री हमारे पास, यस द क्लासरूम इन अ स्लम, एन एलिमेंट्री स्कूल अ क्लासरूम इन अ स्लम, ये पोएट्री पेपर के पॉइंट से इंपॉर्टेंट है, एज कम्पेयर टू रिमेनिंग टू पोएट्री की थोड़ी टफ भी है। नेक्स्ट वन कीपिंग क्वाइट, व्हाट डज मीन द कीपिंग क्वाइट, चुप रहना है, सीरियस चुप रहना है, पोएट्री भी बोला है वो तो सेफ ऑफ गॉड, सीरियसली यहाँ पे आपको चुप रहना है। अच्छा व्हेन आई हैव बीन जस्ट शट माय माउथ, तो आप एबल टू हियर व्हाट यू रियली वांट, तो आप जो बोल रहे हैं तभी सुन पाऊंगा जब मैं चुप रहूंगा पहले, तो भाई चुप हो जाना यार, सुन ले ये पोएट्री बोल रही, मैं नहीं बोल रहा। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, हियर वी हैव द विसास, द थर्ड लेवल, द फर्स्ट स्टोरी, सही हट गई थी स्टोरी बोर्ड से, फिर आगे वापस बहुत इंटरेस्टिंग है, 40 सर वो जाता है किस पे, थर्ड लेवल के बाद बात करेंगे। देन द एनिमी, अब आते हैं किस पे, सर क्या होगा पैटर्न, लिखने का तरीका क्या होगा, क्या बदलाव आए, क्या चेंजेस होंगे जिनको हमें बहुत प्रस्पेक्टिवली क्लियर करना होगा। तो पहली चीज स्टार्ट राइटिंग गाइस, 2 साल हो चुके हैं आप लोग लिखना भूल चुके हैं, 10 के पेपर आपने नहीं दिए, 11 के पेपर हुए नहीं, और अब आ गए हम किस में, 12th में। तो 12th में आते हैं इंग्लिश से दूर दूर तक रिश्ता खत्म हो चुका है लोगों का, लोगों ने इंग्लिश पढ़ना तो देखना भी छोड़ दिया सीरियसली, एंड दिस इज द हाई टाइम व्हेन यू गाइस नीड टू स्टार्ट योर एजुकेशन, कि अब थोड़ा टाइम दे रहे भाई पढ़ाई पे ताकि चीजें क्लियर करें, चीजों को समझें, एंड हाउ गोइंग टू क्रैक द पेपर इजली विद लीस्ट 70-80% मार्क्स, लीस्ट जो 90s वाले हैं वो तो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू गेट एवरीथिंग। तो यहाँ क्लियर करते हैं, ये हो गया 40 मार्क्स का पोर्शन हमारे पास, 14, 8 एंड 18, 10 मार्क्स आपको मिलेंगे आपके स्कूल के सर जो प्रोजेक्ट आपका चल रहा है, मैम ने ऑलरेडी 10 में 10 तो दे ही देने, अगर आपकी रिपोर्ट चलती आ रही है बचपन से अच्छी तो आप 10 के 10 में जाएंगे, बाकी रह गया अब क्या करना है, हाउ टू स्टार्ट और क्या बेसिक प्रोविजन होगा। तो पहले क्लियर करते हैं, सबसे पहले दिमाग में जो चीज आती है वो आती है हम इस पेपर को कैसे प्रिपेयर करेंगे, हाउ वी गोइंग टू प्रिपेयर दिस पर्टिकुलर पेपर, और उसे मैक्स मार्क्स लाने के लिए क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है। द फर्स्ट थिंग जो आपको करनी है वो करनी है कि सर इन सारे टॉपिक्स की वीडियो देख लेनी है। आई रिपीट, वेयर दिस अनसीन पैसेज, नोटिस, क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट, आर्टिकल राइटिंग, द लास्ट लेसन, लॉस्ट स्प्रिंग, डीप वाटर, मदर एट 66, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम, कीपिंग क्वाइट, द थर्ड लेवल एंड द एनिमी, इन सब की वीडियोस को थोड़ी देख लेना है, तसल्ली से समझ लेना है। सर कहाँ मिलेंगी, यही मिलेंगी इसी चैनल पे, क्लासिक ऑफ लर्निंग, दिस योर चैनल गाइस, यू जस्ट वॉच ऑल दीज वीडियोस, इन वीडियोस को देखो, कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, ऑनलाइन बैच ज्वाइन कर सकते, दोस्तों इंटरेस्टेड टू ज्वाइन ऑनलाइन बैचेस फॉर क्रैश कोर्स, सर सारे सब्जेक्ट हैं वो बाद में आप करेंगे, फिलहाल तो आप पहले चैनल पे जाएंगे, सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे। तो आपने कहा इनको देखना है, यस वी विल गोइंग टू सी ऑल दीज, देन कम टू द फॉर्मेट्स, फॉर्मेट्स पे ध्यान देना, क्या होगा फॉर्मेट नोटिस का,
लेटर राइटिंग का फॉर्मेट क्या रहने वाला है, आर्टिकल राइटिंग में जो फॉर्मेट पर काम क्यों करना है, व्हाई आर वी डिस्कसिंग ओनली राइटिंग सेक्शन, क्यों सर फॉर्मेट यही होते हैं, आई रिपीट फॉर्मेट सिर्फ वो सिर्फ राइटिंग सेक्शन में होते हैं, तो हमें इनके ऊपर काम करना है। तो ये वो बेसिक जिन फॉर्मेट्स पे हमें काम करना है। देन वी विल गो टू द क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट, सर उस पर भी ध्यान देना हो जरूरी होगा। देन हाउ आई एम गोइंग टू गेट द कंप्लीट मार्क्स इन अनसीन पैसेजेस, इट्स नॉट दैट आई एम मैचिंग द आंसर कि क्वेश्चन मैच करूंगा आंसर हो जाएगा, नहीं नहीं, इट्स अ वे टू क्रैक कंप्लीट 100% मार्क्स इन दैट अनसीन पैसेजेस। For that, you need to watch the video that I'm really already uploaded and definitely going to upload the more for you guys. Then we'll jump to these storylines. इनके concept को clear करना, question को समझना and then supply what they really want. ये सब आपको करना है. Till then, keep watching, like, share and subscribe if you think it's worth to watch. Catch you very soon with a new video. Bye guys.